दोस्तों, अगर आप भी केन विलियमसन, रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आखिरी गेंद पर जिताकर भारत को WTC के फाइनल में पहुंचाने पर अब केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान ने कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ भारतीय आज उन्हें सलाम कर रहे हैं। आखिरकार केन विलियमसन ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अब WTC के फाइनल में कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल ही रही है, लेकिन भारत का मुकद्दर इस समय WTC के लिए कोई और ही लिख गया। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम के बीच में भी इस वक्त में 2 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और वहां पर न्यूजीलैंड से उनका आमना सामना हुआ। इत्तेफाकन तौर पर उनका भी मुकाबला 9 मार्च को ही शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों ये खत्म कुछ इस तरीके से हुआ है कि पूरी दुनिया ने ऐसा टेस्ट मैच आज तक तो नहीं देखा होगा। इस मुकाबले की पहली इनिंग में ही दोस्तों श्रीलंकाई टीम ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे, उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 300 से ज्यादा पहली इनिंग में बनाए, लेकिन दोस्तों फिर से श्रीलंका की टीम ने लगभग 350 के आसपास रन बनाकर 286 का फाइनल टारगेट न्यूजीलैंड की थाली में परोसा। अब दोस्तों इसे चेज करने के लिए न्यूजीलैंड को बड़ी पारियां चाहिए थी और कप्तान केन विलियमसन भिड़ गए आज श्रीलंकाई खिलाड़ियों से और ऐसी धासु बैटिंग करके दिखाई कि पूरी दुनिया को उनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों मुकाबला इतना रोमांचक था कि विलियमसन के शतक के बावजूद भी ये अंतिम ओवर तक पहुंच गया। जीतने के लिए 5 गेंदों के अंदर अगर 7 रन एक टेस्ट मैच में चाहिए हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमांच कितना होता है। लोगों ने स्टेडियम में बैठे बैठे अपनी दांतों तले उंगलियां चबा ली और ज्यादा रोमांचक तो तब हो गया जब आखिरी ओवर की 3री गेंद पर विकेट भी गिर गया था, लेकिन फिर केन विलियमसन ने चौका लगाया और जीत पर मोहर भी लगाई। हालांकि दोस्तों अंतिम गेंद तक रनआउट हो सकते थे विलियमसन, फिर भी वो जिताकर ही दम भरते आज नजर आए और दोस्तों उनकी जीत से ही भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में भी पहुंच गई है। ये कंफर्म हो चुका है कि न्यूजीलैंड की जीत से भारत को फायदा हुआ है और हम पहुंचे हैं सीधा WTC के फाइनल में। और एक बार फिर से दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के दोस्त केन विलियमसन ने हमारी मदद कर ही दी और हमें एक ऐसी टीम बना दिया जो दूसरी बार लगातार WTC का फाइनल खेलने जा रही है ना दोस्तों, अपने आप में कितने फक्र की बात। लेकिन सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है तो केन विलियमसन के शतक की बदौलत, उस संघर्ष की बदौलत जो उन्होंने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक किया। लेकिन दोस्तों केन विलियमसन ने जिताने के बाद भारत पर क्या कह दिया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों केन विलियमसन ने कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। कहना चाहूंगा कि आज तक मैंने जितने भी टेस्ट मैच देखे होंगे उससे ज्यादा रोमांचक मैंने आज खुद खेल लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, आप ऐसे मुकाबले अकेले अपने दम पर नहीं जीतते। ऐसे मैचेस में पता चलता है कि एक एक रन, एक एक गेंद की कीमत क्या होती है और इस जीत का श्रेय मैं हमारी पूरी टीम को देना चाहूंगा। ये सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत, उनकी लगन है जिसके चलते मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच पाया और अंतिम गेंद तक भी हमारी यही निष्ठा थी कि जिताकर ही वापस लौटना है और हम उसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद दोस्तों केन विलियमसन, जब ये पूछा गया कि आपकी जीत से भारत को असली फायदा हुआ है, वो WTC फाइनल में पहुंच गए, तो उसके पर दोस्तों हंसते हुए केन विलियमसन ने कहा, वैसे हम तो अपने देश को जिताने के लिए खेले थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम भी हमारे मित्र बराबर है और अगर उनको हमारी जीत से फायदा हुआ है तो इससे ज्यादा अच्छी बात और हो भी क्या सकती है। उम्मीद है वो WTC के फाइनल को अब अच्छे से जीतेंगे। दोस्तों केन विलियमसन का यह कहना वाकई में दिल जीतने वाला है। वैसे केन विलियमसन को भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जब ओवरसीज खिलाड़ियों की बात आती है और उनके ये शब्द वाकई में दिल जीतने वाले हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों केन विलियमसन की पारी को, न्यूजीलैंड की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।